हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल हेल्थ की दुनिया को सब्सक्राइब करने के लिए अपनी स्क्रीन पर दिए गए इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर जाकर क्लिक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें जिससे आपको हमारे इस चैनल की सारी नोटिफिकेशन मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे हर घर में मिलने वाली छिपकली से आप कैसे निजात पा सकते हैं, कैसे आप उनको अपने घर से भगा सकते हैं। घर की किसी भी दीवार पर छिपकली घूमती है तो हमें दिक्कत होती है कि कहीं वह नीचे ना गिर जाए, खाने में ना गिर जाए। हालांकि घर में छिपकली होने से कीड़े मकोड़े आदि नहीं रहते, लेकिन छिपकली के शरीर में गिरने का भय ज्यादा बड़ा होता है। मार्केट में छिपकली को भगाने वाले कई विषैले लिक्विड आते हैं, लेकिन ये लिक्विड आपके बच्चों या पालतू जानवरों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में बेहतर होगा छिपकलियों को भगाने के लिए कोई घरेलू उपाय किया जाए। इस वीडियो में हम छिपकलियों को भगाने के लिए कुछ इको फ्रेंडली घरेलू उपाय आपको बताने जा रहे हैं, जिनसे आपके घर से छिपकलियां दूर भाग जाएंगी और वह कभी आपको नजर नहीं आएंगी। कॉफी पाउडर को तंबाकू पाउडर के साथ मिला लें और इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर वहां वहां रख दें जहां छिपकलियां ज्यादा आती हैं। अगर छिपकलियां इस मिश्रण को खा लेंगी तो वह मर जाएंगी, वरना वह भाग अवश्य जाएंगी। नेफ्थलीन की गोलियां एक अच्छी कीटनाशक होती है। इसे वार्डरोब, वॉश बेसिन आदि में डाला जा सकता है। इसे जहां भी रख देंगे वहां छिपकली नहीं आएगी, वह उस जगह से दूर ही रहेगी। मोर पंख, छिपकलियों को मोर का पंख देखकर भ्रम हो जाता है कि यहाँ कहीं सांप है जो उन्हें खा जाएगा, इसलिए उसे देखकर वह भाग जाती हैं। मोर पंख को घर में किसी गुलदस्ते आदि में लगाकर रख दें, इससे छिपकलियां भाग जाएंगी। पेपर पेस्टिसाइड स्प्रे, पानी और काली मिर्च के पाउडर को मिला लें और एक पेस्टिसाइड तैयार कर लें। इसे अपने किचन, कमरों और बाथरूम आदि जगहों पर जहाँ पर भी छिपकलियाँ ज्यादा होती हैं वहां पर छिड़क दें। इससे छिपकलियां भाग जाती हैं क्योंकि काली मिर्च की तीखी गंध उन्हें अच्छी नहीं लगती और वह इससे दूर ही रहती हैं। बर्फ वाला ठंडा पानी, बर्फीले पानी को छिपकली पर स्प्रे कर दें, इससे उसको ठंडा लगेगा और वह भाग जाएगी। ऐसा कई दिन तक लगातार करें ताकि वह घर ही छोड़कर भाग जाए। पानी डाल के बाद छिपकली गिर भी सकती है। प्याज को स्लाइस में काटकर उसे धागे में बांधकर लाइट सादी के पास लटका दें, इससे वहां आने वाली छिपकली भाग जाएगी। प्याज में सल्फर ज्यादा मात्रा में होता है जिससे बुरी दुर्गंध आती है और छिपकलियां इसको सूंघकर भाग जाती हैं। अंडे के छिलके में कोई भी महक नहीं होती है जो छिपकली वो जगह छोड़ दे, लेकिन छिपकली मानसिक रूप से सोचती है कि इस क्षेत्र में कोई और बड़ा जीव आकर रहने लगा है, इसलिए वह इस स्थान को छोड़ देती है। अंडे के छिलके में 3-4 सप्ताह में बदलते रहे ताकि छिपकली को यह भ्रम बना रहे। लहसुन, एक स्प्रे बॉटल में इसमें प्याज का रस और पानी भर लें। इसमें कुछ बूंद लहसुन के रस की मिला लें और अच्छे से उसको मिला लें। अब इसे घर के हर कोने में छिड़क दें। जहाँ जहाँ छिपकली सबसे ज्यादा आती है वहां तो जरूर छिड़कें। आप चाहें तो लहसुन की कली भी रख सकते हैं, इससे भी छिपकलियां दूर भाग जाएंगी। दोस्तों, यहाँ बताए गए यह कुछ ऐसे घरेलू उपाय हैं जिनसे आप आसानी से और नेचुरल तरीके से छिपकली से निजात पा सकते हैं। वैसे भी दोस्तों, आजकल मॉनसून सीजन चल रहा है और इसमें छिपकलियां बहुत ही ज्यादा मात्रा में दिखाई देती हैं। वह दीवारों पर ही नहीं, जमीन पर भी दिखाई देती हैं। इसलिए आप इन घरेलू उपाय को अपनाकर उनसे निजात पा सकते हैं और अपने घर को छिपकली मुक्त बना सकते हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे वह जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल हेल्थ की दुनिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।